महेंद्र सिंह धोनी ने मैच में किया शतक पूरा, कोहली ने बनाए 100 रन। ऐसे तो कई शतक आपने लगते सुने होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि चोरी की घटनाओं का एक चोर इतना आदी हो गया कि उसने चोरी करने में ही शतक पूरा कर लिया। यानी अब तक इस चोर पर 90 से अधिक मामले दर्ज हैं। मामला कैथल जिले का है, जहां CIA 2 ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसका असली मकसद सैनिटरी की दुकानों को निशाना बना चोरी का माल बेचने का होता था। दरअसल पानीपत जिले के शातिर चोरों में से एक आरोपी जगपाल को कैथल पुलिस ने गिरफ्तार कर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर ले लिया है। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी ने जो बात बताई है वो वाकई में हैरान करने वाली है। आरोपी ने रिमांड के दौरान कबूला है कि उसके ऊपर 1-2 नहीं बल्कि चोरी के पूरे 90 मामले दर्ज हैं। साथ ही 10 और चोरी की घटनाएं भी मानी हैं। यानी कि चोर 100 से ज्यादा चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। हरियाणा के लगभग काफी जिलों में चोरी की वारदात कर चुका है, और जो वारदात करने के बाद जब ये पकड़ा जाता है तो जेल में जाने के बाद जितने दिन जेल में रहता है उसमें अंडरगो उनकी सजा होकर बाहर आकर के फिर दोबारा से वारदात करता है। अब अप्रैल माह में हमारा एक थाना राजौंद का मुकदमा जिसकी तफ्तीशियाँ चल रही है हमारे पास CIA में, उसके अंदर हमने इसको गिरफ्तार किया है जगपाल को। गाँव ऐसा कड़खलवारी डिस्ट्रिक्ट पानीपत में, अब वहाँ अब ये पुलिस रिमांड पर चला हुआ है। तो सर ऑन रिकॉर्ड की बात की है, कितने मुकदमे सर दर्ज आपकी पूछताछ में पता? इसके खिलाफ भिन्न भिन्न जिलों के करीब 90 अभियोग अंकित हैं, और इसके अलावा हमारी पूछताछ के दौरान इसने 8-10 वारदात और कबूल की है, जिसमें हमारी एक थाना राजौंद की है, एक थाना पुंडरी की है। तो किस तरह की चोरियों को सर अंजाम देते हैं? ये सैनिटरी की दुकानों में टूंटियाँ, पीतल, लोहा, तांबा, इस तरह की चोरियों को वारदात को अंजाम देता है। गौर करने वाली बात यहाँ ये है कि आरोपी बिना किसी डर के चोरी की घटनाओं को धड़ल्ले से अंजाम दे रहा है। आखिर वो चोरी करे भी क्यों ना, जब उसे कानून की कमजोरियों की पहचान हो चुकी है। तभी तो इतने मुकदमे दर्ज होने के बाद भी कोर्ट के द्वारा उसे जमानत पर छोड़ दिया जाता है। अब इससे तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे देश में किस तरह की कानून प्रणाली है जो ऐसे शातिर और बेखौफ चोर को बार बार जमानत दे दी जाती है। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब की स्टेट टीवी।